हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अशरफ साहब जी, मेरा बेटू कौन बोल रहा है, कहाँ से? अच्छा, जी। मैंने हजरत दरबार बहुत से फोन किया है। हाँ जी मेरा बेटू जी, जी, नाम क्या है तो मेरा? मेरा नाम सारा है और मेरी एक दफा पहले आपसे 1 साल पहले बात हुई थी, फिर नंबर मिला ही नहीं है आपका। ओहो मेरा बेटा, मैं रोज होता हूँ, ये आप नंबर रख लेना, और इसमें ये आपको जब भी खुलेगा ना तो फौरन नोटिफिकेशन आ जाती है कि ये लाइन नंबर जो है ऑनलाइन है, तो फिर आप बात कर सकती हैं। हाँ जी, कुछ दिन पहले ये मैं ट्राई कर रही थी, कुछ दिन फिर ये खुला ही नहीं था। कुछ दिन हुआ नहीं, वो मेरा बेटा टाइम पे खुलता है ना, रोज 11 बजे से 1 बजे तक खुलता है, इसी तरह बाद में, लेकिन आजकल चूंकि ये कुर्बानी के दिन भी नज़दीक आ रहे हैं ना, और जी, लोगों कुर्बानी के के। मसाइल काफ़ी बढ़ रहे हैं, तो मैंने सोचा कि इसको थोड़ा ज़्यादा देर तक खोले रखो, और ये मेहरबानी नहीं डॉक्टर साहब, मेरा नवाजिश बेटा है आपकी कि आप लोगों के मसाइल को हल करते रहते हैं, लेकिन लोग तो इनके डॉक्टर को किसी की सुनते भी नहीं है आपकी। बस नवाजिश है आप लोगों के बहुत मसाइल हल करते नहीं हैं। मेरा बेटा, ये सारा आपकी दुआएं हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत नवाजा है, और लोगों की दुआएं जो हैं वो मिलती रहती हैं, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सेट रहता हूँ। ठीक जी, है आप इस एड्रेस से लग रहा है आप बहुत सेट बैठे हैं, फ्रेश बैठे मेरा? हाँ हैं। मैं बहुत रहा है, इसमें कोई शक नहीं, आप प्रोग्राम खुद देखेंगी तो आप देखेंगी कि यार ये डॉक्टर तो दिन ब दिन जवान होता जी, आप दिन ब दिन वाकई जवान होता जा रहे हैं डॉक्टर जा साहब। बस अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ मेरा अल्हम्दुलिल्लाह, बताएं मैं मेरा आपको सारी बेटा, आपकी चिंता बता रही थी कि मेरे पास मुर्गियां हैं और मेरा जो इलाका है वो आपको मैंने पहले बताया, हजरत दरबार सुल्तानपुर गढ़ में आ जाके है। हाँ जी हाँ जी, तो वो जो डॉक्टर है उनसे जब वैक्सीन पूछते हैं गम्भोरों की, आपने फरमाते हैं ना बार बार गम्भोरों का कार्य करें अगर वैक्सीनेशन हो जाए, तो वो कहते हैं कि हमारे पास ना तो गम्भोरों के केस आते हैं जंग में, तो गम्भोरों की नहीं वैक्सीन फिर हमें आप सस्ती इस नहीं तरह आती। करें, एनडी जो है ना, कम से कम एक जो एनडी लासोटा है ना, ये तो हर एनडी लासोटा जगह, तो ले आते हैं। हाँ वो लगा दी, वो कर दिया करें, और बाकी इनकी खुराक का इंतजाम करेंगी, और कोई थोड़ा सा इनको सप्लीमेंट, कोई वाइटामिन्स हैं, वाइटा ग्रो नामी है, बहुत सारे हैं, मैं आपको क्या बताऊं, इतने ज्यादा मेरे पास लोग इतने पंफलेट दे जाते हैं, दिए हुए हैं, कोई वाइटा ग्रो है, किसी का नाम है इसी तरह, ये रैपिड टीडी है, वाटर सॉल्यूबल पाउडर होता है, ये मुर्गियों के लिए बहुत ज्यादा चीजें, इसी तरह एंटी वायरल, एक वायरस एंटी वायरस मिलती है, एक एंटी वायरस, ये क्रीड की है, क्रीड कंपनी है, उन्होंने बहुत जबरदस्त किस्म की कौन सी मुझे कंपनी है डॉक्टर साहब? एंटी वायरस, ये है क्रीड की, हाँ क्रीड कंपनी। मैं इस वक्त जब आप देखेंगी ना प्रोग्राम, तो उसमें मैं इसमें दिखा भी रहा हूँ आपके लिए स्पेशली, अच्छा, आज के प्रोग्राम में ये जो प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है ना, इसमें ये मैं अपलोड कर दूंगा जल्दी, और इसमें आपको एंटीवायरस का भी, क्रीड का ये मिल जाएगा, इसी तरह एक और होती है, इनको वाइटामिन्स और मिनरल्स हैं, अमीनो, ये वाइटामिनो प्लस, ये भी एक अलग है, वाइटामिनो प्लस, हाँ वाइटामिनो प्लस। वाइटामिनो प्लस है, ये भी गालिबन इसकी कंपनी, ये भी क्रीड की है, हाँ ये भी क्रीड कंपनी की है। क्रीड कंपनी की है, ठीक है मेरे बेटू। अच्छा डॉक्टर साहब, आज मैंने मुर्गे को लासोटा पिलाया और वो कहते थे कि इनको लगा भी दें तो कोई हर्ज नहीं है, हाँ ठीक लगा, बजेगा ये?
हाँ लगा भी देते हैं ना, बड़ी हैं तो उनको लगाते हैं, टीका लगा देते हैं, टीका भी लगा देते हैं, और वैसे पिला दिया तो वो भी ठीक है। बच्चों को आँख में डालना है? हाँ बच्चों को एक कतरा आँख में या मुंह में डाल दें। अच्छा, अगर गंभोरों की नहीं मिल रही तो कोई मसला नहीं? कोई नहीं अल्लाह, कोई मसला नहीं मेरा बेटू, नहीं मिलती जो जो नहीं मिल रही, नहीं मिल रही कोई बात नहीं, वो आपके जंग में, जंग वाली गोली में वो कहते हैं परा दाड़ गतीस है? ये क्योंकि जंग वाले में मेरे तो ससुराल है ना जंग, तो वो हाँ नहीं अब तो मेरी वाइफ को 11 साल हो गए हैं, वो फौत हुए उसको तो, हाँ जी तो लेकिन ये कि जंग वाले से सारे तो मेरे आगे बेटे की शादी छोटे की भी जंग में अपने ननियाल में ही हुई है। बस दुआओं में याद है मेरा बेटा। बहुत ज्यादा मेरा बेटा, मैं कहता हूँ कुछ ना पूछे, मैं तो हर वक्त याद दुआओं दुआओं में मेरा बेटा, दुआओं में याद है। ओके अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान रखता है उसको चाहिए कि वो मेहमान की इज्जत करे, जो अल्लाह पर और यौम आखरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि वो सिला रहमी करे, और जो अल्लाह पर और यौम आखरत पर ईमान रखता है उसे चाहिए कि भलाई की बात करे या फिर खामोश रहे। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ, दुआओं में याद रखें। फीमाल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी, और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333-5121-879 पर डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।